एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज हम बना रहे हैं कैरामेल पुडिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पुडिंग बनाने के लिए हमने 1/2 kg मिल्क ले लिया है, 1 पैकेट हमने कैरामेल कस्टर्ड का लिया है। आप चाहे तो कोई और भी कस्टर्ड ले सकते हैं। एक पैकेट हमें शुगर सिरप मिली है और 1 पैकेट हमने वो लिया है। दूध को बॉईल कर लिया है हमने, हमें ज़्यादा दूध को नहीं पकाना है। कस्टर्ड का पैकेट हमें इसमें डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें कस्टर्ड मिलाना है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये भी हमें इसमें मिक्स कर लिया। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक का अच्छे तरीके से पकाना है। लो फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे। देखिए 3 मिनट हमने इसे बना लिया है, गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब हमें इसे एक बाउल में निकालना है। पहले हम इसमें शुगर सिरप डाल देंगे और इसे हर तरफ मिला लेंगे। इसे हर तरफ डाल दिया हमने अच्छे तरीके से एक स्पून की मदद से। आप हर तरफ इसे मिक्स कर लीजिए। हाफ के जी हमने मिल्क लिया था, 1 पैकेट हमने इसमें कैरामेल कस्टर्ड डाला है और इसे 3 मिनट पका लिया है। अब हमें इसे सेट होने के लिए रखना है। हमें इसे नेचुरली पहले ठंडा होने देना है, फिर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। 2 से 3 घंटा हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तीन घंटा हमने इसे फ्रिज में रखा है। देखिए हमने अभी इसे फ्रिज से निकाल लिया है। कैरामेल कस्टर्ड बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत ही डिलीशियस कैरामेल कस्टर्ड तैयार हुआ है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे से सेट हो चुका है ये। हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कैरामेल कस्टर्ड रेडी हुआ है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।